भोपाल की गलियाँ अगर हम पैदल हों और कहीं पहुँचने की बहुत जल्दी हो तो गलियाँ कई लंबे रास्तों को बहुत छोटा बना देती थी यूं उन गलियों का ऐसा जाल था सारे शहर में फैला हुआ कि बिना सड़कों पर आए भी सारा शहर नापा जा सकता था उन गलियों में भटकते हुए उन गलियों से कई गलियाँ तो हमारे सपनों तक जाती थी गप मारने के लिए अपार फुर्सत से भरी जगह थी उन गलियों में दुकानों और घरों से बाहर निकले पटिये थे जो रात गए जब सूने हो जाते थे तो उन पर शतरंजें बिछ जाती थी रोशनी और अंधेरे के उन चौखानों पर आधी आधी रात तक खिसकते रहते थे स्याह और सफ़ेद मोहरे इन्हीं पटियों से निकला था वो हमारे प्रदेश का चैम्पियन रफ़ीक कहते हैं वो बाबू खां का चेला था जिन्हें शदुर खन्ना मात देने में महारत हासिल थी गलियों में चाय की कई छोटी छोटी दुकानें थीं दुकानों के अंदर धसे हुए कमरे थे जिनमें एक या कभी कभी दो कैरम रखे होते थे पीली मध्यम रोशनी और सिगरेट के धुएं से भरे कमरों में कैरम के खिलाड़ी रात रात भर जमे रहते थे बाहर आसमान के कैरम पर क्वीन के बाद कवर के लिए बची आखिरी सफ़ेद गोट की तरह रखा होता था चांद। सड़कों के नाम अक्सर बेगमों और नवाबों के नाम पर थे जबकि गलियों के नाम जिन लोगों के नाम पर थे उनका कोई लिखित इतिहास नहीं था काली धोबन की गली शेख बत्ती की गली नाइयों की गली बाजे वालों की गली गुलिया दाई की गली इस गली के किनारे पर जुम्मा पहलवान रहता था जो हर साल दशहरे का रावण बनाता था दूसरे किनारे पर खुशीलाल वैद्य का मकान था जिनका एक लड़का पिछले दिनों इस देश का राष्ट्रपति बन गया था चांद जब जमा मस्जिद की गुंबदों से ऊपर चढ़ने लगता इन गलियों के रहस्य गहराने लगते तंग हाली के दिनों में भी गलियों ने कभी हमें शर्मिंदा नहीं किया दंगों के बीच अपने घरों तक पहुंचने के रास्ते दिए उन्होंने हमें उन्हीं के बनस्बत शहर कभी बेगाना नहीं लगा हमें बहुत ही बहुत खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत है एक्चुअली मैं एक कविता सुनाना चाह रहा हूँ उसका शीर्षक है इत्यादि और ये सारे राजनीतिज्ञों के लिए है वो किसी भी दल के हों उन सब के लिए सर जी प्लीज इस शीर्षक है इत्यादि कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे बाकी सब इत्यादि थे कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे बाकी सब इत्यादि थे इत्यादि तादाद में हमेशा ही ज़्यादा होते थे इत्यादि भावताव करके सब्जी खरीदते थे और खाना वाना खाकर खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे इत्यादि जुलूस में जाते थे तख्तियां उठाते थे नारे लगाते थे इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे उन्हें लगातार ये भ्रम दिया गया था कि वे ही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे तब उनके वो नाम भी हमें बताए जाते थे जो स्कूल में भर्ती करवाते समय रखे गए थे या जिससे उनमें से कुछ पगार पाते थे कुछ तो ऐसी दुर्घटना में भी इत्यादि ही रह जाते थे इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे वेरी गुड बहुत बढ़िया यूँ तो हर जोखिम से डरते थे लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे इत्यादि ही करने को वो सारे काम करते थे जिससे देश और दुनिया चलती थी इत्यादि ही करने को वो सारे काम करते थे जिससे देश और दुनिया चलती थी हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो ये सारे काम सिर्फ अपना परिवार चलाने को करते हैं इत्यादि हर जगह शामिल थे पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे इत्यादि बस कुछ सिर्फ फिर कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते थे क्या जाएं। जाएं। जाएं।